नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 लाइव। मैं मिस्टर भगवान आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पहुंच चुके हैं पचरुखी प्रखंड के जिला परिषद संख्या 23 में, जहां के जिला परिषद प्रत्याशी पूनम देवी जी हैं, जिनके पति कुलदीप सिंह समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं, जो इतनी बड़ी जन सलाह लेके चल रहे हैं और ये जनता को क्या प्रतीक देना चाहते हैं। चलिए आज हम इनसे, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भगवान जी। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इतनी जन सलाह लेके चल रहे हैं, क्या प्रतीक देना चाहते हैं यहाँ की जनता को। हम प्रतीक देना चाहते हैं कि इतने सारा जन समर्थन हमारे साथ है, इतने सारे युवा दोस्त हमारे साथ है, इतने सारे गार्जियन हमारे साथ है। यहाँ की जनता को आप कैसे संतुष्ट कर सकते हैं कि आपको वोट करेगी? किंतु जनता को करना है, हम तो अपने ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक दौड़ रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जनता को हम आशा करते हैं कि जनता अपना काम कर रही होगी। आखिर आप क्या मुद्दा लाएंगे कि हमारी जनता आपको वोट करेगी? हम पहले भी बहुत सारे मुद्दे पे बात कर चुके हैं कि हमको सबसे पहले सफाई पे काम करना है, उसके बाद स्वास्थ्य पे काम करना है, शिक्षा पे काम करना है, और बेसिक बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी भी हम क्षेत्रों में जाते हैं तो किसी का अभी तक राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो वृद्धा पेंशन नहीं बनाया हुआ है। मैं तो ये मानता हूँ कि 75 वर्ष बीत गए देश के आज़ाद होने के, अभी तक अगर बेसिक समस्याओं पर चर्चा हो रही तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे नेतृत्व का दुर्भाग्य है कि अभी तक बेसिक समस्याएं लोगों ने सुलझाया नहीं है। जो हमारे इसके पहले के जो भी पॉलिटिशियंस आए हैं, उन्होंने अभी तक राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन पर काम नहीं किया है। बहुत दुख की बात है। हम अगर आते हैं तो सबसे पहले तो हम बेसिक समस्याओं को जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। हर बार नेताजी लोग आते हैं तो यही वादा करते हैं और हमारे जनता की वादा टूट जाती है, इस पे क्या कहना चाहिएगा आप? अब जनता को तो विश्वास हर बार करना है, हर बार नेताजी लोग आते हैं, हर नेताजी लोग पर विश्वास करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये तो 5 साल का है ना, तो 60 वर्ष का नौकरी है नहीं, 5 साल बाद फिर आना है उनके पास। हम तो ये कहते हैं कि जो नेताजी वादा करके गए दोबारा आते हैं तो उनको बांध दीजिए आप, कि आप तो पिछले बार वादा करके गए थे काम नहीं करा, अगर हम भी नहीं करते हैं तो हमको भी बांध दीजिए आप। ऐसा तो नहीं कि जैसे भादो का बारिश होता है तो बेंग लोग बाहर निकल जाते हैं, ऐसे चुनावी घमासान हुई है वैसे नेताजी लोग बाहर निकल चुके हैं और फिर चुनाव बीत जाएगा तो नेताजी लोग अपने घर में हो जाएंगे, क्या इस पे आपका क्या कहना है? हो सकता है बहुत सारे नेताजी लोग निकले होंगे जो 10-15 दिन पहले पोस्टर वोस्टर अपना चिपकाए होंगे, क्षेत्र में आए होंगे कि अब हम चुनाव लड़ेंगे, अभी तक ये सोच रहे थे कि पता नहीं चुनाव होगा कि नहीं, पैसा खर्च हो रहा है। हम तो पता नहीं, जब से चुनाव का अनाउंस नहीं हुआ था उससे 6 महीने पहले से फील्ड में हैं और दौड़ रहे हैं। कुछ नेताजी लोग हम भी देख रहे हैं कि 15-20 दिन पहले आए हैं क्षेत्र में, और कुछ लोग अभी 15-20 दिन बाद भी आएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता को क्या कहना चाहिएगा? जनता को हम यही हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप हमको समर्थन कीजिए। हमारी पत्नी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 की उम्मीदवार हैं पूनम कुमारी सिंह जी, उनका सहयोग कीजिए, हाथ से हाथ मिलाइए और जिला परिषद सदन में पहुंचाइए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे N20 लाइव पे मिस्टर बबुआन के साथ। धन्यवाद।